ओके, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके जो बेसिक्स है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 11th स्टैंडर्ड में आके हमको और दो प्रोग्रेशन देखना है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसमें भी और डेप्थ की चीजें हमको देखनी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और फिर इसके रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको देखना है। फाइन, तो एक बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म होता है ए, उसके बाद अगला टर्म होता है ए प्लस डी, फिर अगला टर्म होता है ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। दिस इज टर्म नंबर वन, दिस इज टर्म नंबर टू, दिस इज टर्म नंबर थ्री, दिस इज टर्म नंबर फोर। तो अगर आप टर्म नंबर फोर को ऑब्जर्व करते हो तो वो होता है ए प्लस थ्री डी। टर्म नंबर फाइव अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसका फॉर्मुलेशन होगा ए प्लस फोर डी। अगर यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे फोर आ रहा है, तो nth टर्म ऑफ एपी आप कैसे निकालते हो? nth टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ का जो नंबर है वो वन लेस होता है यहाँ से, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ का नंबर आपको मिलता है। तो टी एन, nth टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फाइन, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एस एन, दैट इज एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये सब चीजें नॉर्मल है जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ी हुई है। अब हमको देखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आप क्या किया करो, पेन और पेपर लेके बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो भी कुछ हम लोग डिराइव कर रहे हैं उनको शॉर्टकट में लिखते जाओ, जो भी कैलकुलेशंस में बोलता हूँ उसको करते जाओ, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक टर्म है टू, अब आपको ना टू रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, आपको क्या करना है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको स्टडी करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको स्टडी करना है। तो लेट से पहला टर्म है टू, अब आप क्या करो, रिपीटेडली टू मल्टीप्लाई करते जाओ। तो टू में फिर से टू मल्टीप्लाई किया, फिर से हमने टू मल्टीप्लाई किया, फिर से टू मल्टीप्लाई किया, तो हमको बहुत सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। सो टू इंटू, यहाँ पे चार बार टू मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे पांच बार करेंगे। सो वन टू थ्री फोर फाइव, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू इज मल्टीप्लाइड। तो टर्म्स कैसे बनेंगे, पहला टर्म है टू, अगला टर्म है फोर, उसके बाद अगला टर्म है एट, नेक्स्ट टर्म इज सिक्सटीन, नेक्स्ट टर्म इज थर्टी टू। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीपी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी क्या होगा कि फर्स्ट टर्म होगा टू इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ पे जो टू हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो।
तो अगर आप टर्म को रेफर करना स्टार्ट करो, दिस इज टर्म नंबर वन, दिस इज टर्म नंबर टू, दिस इज टर्म नंबर थ्री, टर्म नंबर फोर, टर्म नंबर फाइव, अगर आप टर्म टू और टर्म वन का रेशियो देखो, टर्म टू अपॉन टर्म वन, तो वो है 4/2, विच इज 2. अगर आप टर्म नंबर थ्री और टर्म नंबर टू का रेशियो देखो, टर्म नंबर थ्री और टू का, सो टर्म नंबर थ्री मतलब ये, टर्म नंबर टू मतलब ये, इनका रेशियो 8/2, 8/4 इज 2. फिर अगर आप टर्म नंबर फोर अपॉन टर्म नंबर थ्री का रेशियो देखो, टर्म नंबर फोर मतलब ये, टर्म नंबर थ्री मतलब ये, 16/8 का रेशियो, दैट इज अगेन 2. फिर अगर आप टर्म नंबर फाइव और टर्म नंबर फोर का रेशियो देखो, 32 और 16 का रेशियो, सो 32/16 विच इज अगेन 2. तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्जिगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है. कॉन्जिगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो होता है कॉन्स्टेंट, रेशियो इज कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो. तो इसका जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो कैसा लिखा जा सकता है? पहला टर्म है ए, फिर उसने कुछ मल्टीप्लाई किया ए आर, फिर से उसने आर मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर उसने आर मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब, ए आर रेज टू फोर, ए आर रेज टू फाइव, ए आर रेज टू सिक्स एंड सो ऑन. दिस इज टर्म नंबर वन, दिस इज टर्म नंबर टू, टर्म नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबको मुझे चैट बॉक्स में जवाब देना है कि अगर मैं nth टर्म लिखूं, tn, nth टर्म ऑफ gp, उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप लिख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ gp? डरना नहीं है, गलत है तो गलत है आप, बट आंसर बताया करो, फीडबैक दिया करो कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है. कोई मैं क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी? कोई तो लिखो, लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप लिखोगे नहीं. एक हिंट मैं बता देता हूं, आप टर्म नंबर सेवन को ऑब्जर्व करो. टर्म नंबर सेवन है ए आर रेज टू सिक्स, तो nth टर्म का फॉर्मुलेशन क्या होगा? करेक्ट. तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने सही जवाब दिया है. तो ये है ए आर रेज टू एन माइनस वन, ये करेक्ट है. तो लिख दो अपने बुक में या जो भी आपने पेपर लिया हो, nth टर्म ऑफ gp इज a r रेज टू n माइनस वन, करेक्ट. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ gp. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक gp लिखूंगा, आपको उसका फर्स्ट टर्म बताना है और उसका कॉमन रेशियो बताना है. सो पहला टर्म यहाँ पे वन है, फिर अगला टर्म दिया है -3/2, अगला टर्म दिया है 9/4, फिर दिया है -27/4. राइट फर्स्ट टर्म एंड राइट कॉमन रेशियो. आप लोग फीडबैक बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ आंसर्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ये सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है. You have to tell what is the first term of this progression and what is the common ratio. Sir. लिखो आप चैट बॉक्स में, रिप्लाई करो. Hello, sir.
आंसर्स लिखो आप लोग चैट बॉक्स में, बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या है यहाँ पे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म तो लिखो। ए ए तो ए इज वन, एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, आप रेशियो लगाते जाओ। यहाँ पे देखो ये सेकेंड टर्म है, ये पहला टर्म है, दिस इज टर्म नंबर वन, दिस इज टर्म नंबर टू, दिस इज टर्म नंबर थ्री, दिस इज टर्म नंबर फोर। तो अगर आप कॉमन रेशियो देखो, टर्म नंबर टू और टर्म नंबर वन का रेशियो ये है माइनस टू बाय वन, विच इज माइनस थ्री बाय टू। सब लोग अपना माइक जो है म्यूट कर दो। उसके बाद टर्म नंबर थ्री और टर्म नंबर टू का रेशियो देखो, टर्म नंबर थ्री इज नाइन बाय फोर एंड टर्म नंबर टू इज माइनस थ्री बाय टू। तो दिस इज नाइन बाय फोर इंटू टू, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा, दिस इज माइनस थ्री बाय टू। तो सेम आ रहा है टर्म नंबर टू और टर्म नंबर वन का रेशियो, टर्म नंबर थ्री और टर्म नंबर टू का रेशियो एंड टर्म नंबर फोर अपॉन टर्म नंबर थ्री। इफ यू कैलकुलेट दिस, माइनस ट्वेंटी सेवन बाय फोर डिवाइडेड बाय नाइन बाय फोर। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फोर फोर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे माइनस थ्री आ रहा है। देखो सबको समझना है, यहाँ पे पहले दो टर्म्स का जो रेशियो है टी टू अपॉन टी वन ये माइनस थ्री बाय टू आ रहा है, टी थ्री अपॉन टी टू ये भी माइनस थ्री बाय टू आ रहा है, बट टर्म नंबर फोर अपॉन टर्म नंबर थ्री ये क्या आ रहा है, माइनस थ्री। तो आप इसको जीपी बोल सकते हो क्या, इज इट जीपी? जीपी में क्या होना चाहिए कि हर टर्म का, हर कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ पे टी टू अपॉन टी वन माइनस थ्री बाय टू आ रहा है, टी थ्री अपॉन टी टू माइनस थ्री बाय टू आ रहा है, बट यहाँ पे टी फोर बाय टी थ्री माइनस थ्री आ रहा है, माइनस थ्री बाय टू नहीं आ रहा ना। तो दिस इज नॉट अ जीपी, दिस इज नॉट अ जीपी। जीपी होने के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉन्स्टेंट रेशियो होना चाहिए, फाइन। आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा एक काम करो, अब ये सम ट्राई करके देखो, रूट थ्री 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 रूट थ्री एंड सो ऑन। टू फोर्टी थ्री हमको दिया हुआ है, टू फोर्टी थ्री ये कौन से नंबर का टर्म है, टी एन। तो हमको बताना है कि टू फोर्टी थ्री, टू फोर्टी थ्री इज Which term of this GP? इस GP का ये कौन से नंबर का टर्म है? ये पहला टर्म है T1, ये दूसरा टर्म है T2, ये तीसरा टर्म है T3। तो 243 कौन से नंबर का टर्म है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। Tn का फॉर्मूला क्या है? A into R raised to n minus 1। टी एन अपने को दिया हुआ है 243, तो यहाँ पे लिखेंगे 243 इज इक्वल टू ए, ए मतलब पहला टर्म रूट थ्री इंटू आर। अब आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। ऑल ऑफ यू राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है, टर्म टू अपॉन टर्म वन रेशो निकालो, टर्म टू अपॉन टर्म वन, दिस इज द कॉमन रेशो, सो दैट इज थ्री बाय रूट थ्री। इस थ्री को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री द होल स्क्वायर बाय रूट थ्री।
एक रूट थ्री कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे आएगा रूट थ्री, एक रूट थ्री ऊपर और नीचे कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट कॉमन रेशियो एज रूट थ्री। सो इस फॉर्मूले में हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर का वैल्यू है रूट थ्री रेज टू एन माइनस वन, ये आ रहा है। अब आप कैलकुलेट करके देखो एन का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ओवर हियर। अच्छा यहाँ पे रूट थ्री की पावर वन है, यहाँ पे रूट थ्री की पावर एन माइनस वन है, ये कॉमन बेस है, बेस सेम है, तो रूट थ्री रेज टू यहाँ पे आएगा वन प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे है 243। सो वील हैव 243 इज इक्वल टू रूट थ्री रेज टू एन। 243 को फैक्टराइज करो और थ्री के टर्म्स में लिखो, फैक्टराइज 243 और आंसर लिखो 243 का फैक्टराइजेशन। टू फोर्टी थ्री इट इज इक्वल टू 3 into 81 विच इज 3 into 81 इज 9 into 9 विच इज 3 into 9 is 3 square, 9 is 3 square, सो इफेक्टिवली वॉट इज 243 इक्वल टू, इट इज 3 raised to 5। यहाँ पे 2 plus 2 plus 1 is 5, 243 is 3 raised to 5, सो 3 raised to 5 इज इक्वल टू रूट थ्री रेज टू एन। चलो देखते हैं कौन ये कैलकुलेट कर पाता है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट थ्री मीन्स 3 raised to half, ये यूज करो आप यहाँ पे। कोई भी डाउट आता हो कहीं पे भी, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अरे कितना इजी है ये देखो एन का वैल्यू 10 करेक्ट। सी आपको क्या करना है यहाँ पे, इस यहाँ पे तो 3 raised to 5 है, दैट इज फाइन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रूट का टर्म है रूट को आप क्या लिख सकते हो 3 raised to half और उसके पावर में एन है, तो 3 raised to 5 इज इक्वल टू 3 raised to n/2 ऐसा आ जाएगा। अब पावर को इक्वेट करो, यहाँ पे पावर का टर्म क्या है देखो, यहाँ पे पावर का टर्म 5 है, यहाँ पे पावर का टर्म 3/2 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, 5 इज इक्वल टू एन बाय टू, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी देखो, एन का वैल्यू आएगा 5 into 2 दैट इज 10। स्टार्टिंग के 11th स्टैंड के स्टार्टिंग में जो भी सम्स हम लोग ले रहे हैं क्लास में, अभी तो मैं बहुत बेसिक लेवल के सम्स ले रहा हूँ, आप डेली घर पे जाके प्रैक्टिस करना ये। आज तो खैर ये सम्स बहुत इजी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, बट आज ही मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, इम्पोर्टेंट सम्स भेजूंगा, आपको वो ट्राई करने होंगे और नेक्स्ट डे हम लोग उसके डाउट्स देखेंगे। नाउ एक और सम मैं पुट अप करता हूँ, आप ट्राई करो। इट इज गिवन दैट ए, पहला टर्म जीपी का है 3, टर्म नंबर 7 हमको दिया हुआ है, टर्म नंबर 7 इज 192। फाइंड आर, कॉमन रेशियो निकालो। चलो ट्राई करो फॉर 1 मिनट, आप अपनी तरफ से ट्राई करके देखो इस सम को। पहला टर्म दिया है, टर्म नंबर 7 192 दिया हुआ है, आपको आर निकालना है कॉमन रेशियो। पी एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए आर रेस टू एन माइनस वन, ये अप्लाई करके देखो। पी सेवन का फॉर्मूला होगा ए आर रेस टू 7 माइनस 1, करते जाओ साइमल्टेनियसली स्टेप्स और जैसे ही किसी का आंसर आया आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। टर्म नंबर 7 इज 192 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 3, आर रेस टू 7 माइनस 1 इज 6,
दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 64 इज आर रेस टू 6। अब तो बताओ आर की वैल्यू क्या है, एनीवन? नहीं, किसी को भी हिंट नहीं है इसको कैसे सॉल्व करोगे। सी व्हाट इज 64, 64 क्या होता है, 4 क्यूब इज 64, एंड 4 को आप लिखो 2 स्क्वायर का क्यूब आ रहा है यहाँ पे, सो दिस इज 2 रेस टू 6। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेस टू 6, तो 2 रेस टू 6 इज आर रेस टू 6, दोनों की पावर 6 है तो 6 तो रूट लोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाएगा, आर का वैल्यू है 2। करेक्ट। तो अब इसी सम में आप टर्म नंबर 11 निकालो, व्हाट इज टर्म नंबर 11 इक्वल टू, इसका आंसर बताओ। टर्म नंबर 11 का फॉर्मूला क्या होगा, टर्म नंबर 11 इज ए आर रेस टू 11 माइनस 1, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, आर का वैल्यू 2 हमने डिराइव किया, 2 रेस टू 11 माइनस 1 इज 10। एंड कैलकुलेट दिस नंबर नाउ, 3 इंटू 2 रेस टू 10 में बता देता हूँ क्या होता है, इट इज 1024। कैलकुलेट करो ये नंबर, कितना आता है? That is 3072, correct? 3072, which is the correct answer. Fine. So next sum पे जाते हैं। In a GP, third term T3 हमको दिया हुआ है, third term is 1/5 and sixth term number 6 is given as 1/625, find a का वैल्यू निकालो एंड r का वैल्यू निकालो, दोनों चीजें निकाल दी। अगेन पहले कुछ सेकेंड आप ट्राई करो, फिर मैं इसको लिखते जाऊंगा, आप लिखते जाना और कैलकुलेट करने की कोशिश करना। टर्म नंबर 3 दिया है, टर्म नंबर 6 दिया है, फाइंड ए एंड आर। फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, टर्म नंबर 3 का फॉर्मुलेशन होगा ए आर रेस टू 3 माइनस 1, दिस इज 1/5। टर्म नंबर 6 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेस टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/625। तो यहाँ पे आएगा ए इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे आएगा ए इंटू आर रेस टू 5 इज इक्वल टू 1/625। अच्छा, अब कौन ये आंसर बताएगा कैसे हम लोग आर निकाल सकते हैं यहाँ से, आर का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकालना होगा, क्या करना होगा इक्वेशन 1 और 2 को, एनीवन? अगर मुझे आर निकालना है, यहाँ पे ए इंटू आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए इंटू आर रेस टू 5 है, सो यू जस्ट आंसर मी इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज आर, वॉट शुड बी डन टू दीज टू इक्वेशन। बताओ कोई तो आंसर बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया जाए ताकि आर मिले अपने को। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होगा,
डिवाइड करो इनको, तो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आर रेज टू फाइव डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय 625 डिवाइडेड बाय 1/5। तो हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये a, a का टर्म कैंसिल आउट होगा, यहाँ से r कैलकुलेट करके बताओ, डू दिस अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, r raise to 5 upon r square, that is r cube, r cube is equal to, अब यहाँ पे है 1 by 625 divided by 1 by 5, तो इसके calculations क्या आएंगे, 1 by 625 यहाँ पे आएगा और ये 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, एक 5 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 125। तो आर क्यूब का वैल्यू 1/125, विच इज 1/5 क्यूब, तो यहाँ पे आर क्यूब का वैल्यू आ रहा है 1/5 क्यूब। फाइंड व्हाट इज आर, सो दैट इज करेक्ट, आर क्यूब इज 1/5 क्यूब, तो आर का वैल्यू आएगा 1/5। अब a का वैल्यू निकालो, r का वैल्यू 1/5 है तो a का वैल्यू निकालो, सब लोग ट्राई करते रहो, इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो इस इक्वेशन में a इंटू आर स्क्वायर equal to 1/5, तो a का वैल्यू आएगा 25 upon 5, which is 5, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 5। फाइन, तो आज मैं वर्कशीट भेजूंगा, उसके क्वेश्चन आप ट्राई करना।